बीजेपी करवाता है, बीजेपी हाला करता है, बीजेपी करवाता है, बीजेपी हाला करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन, मैं आपके साथ अभिजय सिंह। बिहार विधानमंडल का बजट सत्र का आज आखिरी दिन है और आखिरी दिन बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी आज सदन पहुंचे और जिस तरह से उनको से पूछा गया कि बीजेपी वाले हैं जो हंगामा कर रहे हैं, जिस तरह से बिहार और में जो सासाराम और नालंदा में जो घटना हुई उसको लेकर उनका साफ तौर पर कहना है कि जो दंगाई लोग हैं वही हल्ला कर रहे हैं और साफ तौर पर कह रहे हैं कि सरकार इसको पर जांच करवाएगी और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्या कुछ कर रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, पहले सुनिए उनकी बातों को। बीजेपी करवाता है, बीजेपी हाला करता है। घूम रहा है लो ना, आरएसएस का आदमी, बीजेपी का आदमी, पूरा देश भर में छिड़े हुए हैं। भाजपा करेगी, दंगा तो वही लोग करवाता है। जांच होगा, सरकार जांच करवाएगी, दूध के दूध पानी के पानी हो जाएगा। बीजेपी क्या लगता है, अमित शाह कह रहे हैं, अमित शाह कह रहे हैं उल्टा करके सीधा कर देंगे, गृह मंत्री की भाषा पर क्या कहिएगा। तो आपने साफ तौर पर सुना पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी किस तरह से बीजेपी पर कह रहे हैं कि दंगाई लोग हैं जो हल्ला कर रहे हैं, वही दंगा करवाते हैं पहले और हल्ला करते हैं। और वहीं बात करें तो जिस तरह से पूछा गया उनसे कि अमित शाह आए थे बिहार दौरे पर, तो उनका साफ तौर पर कहना है कि जो आरएसएस के लोग हैं, जो बीजेपी के लोग हैं, वो देश भर में छिड़े हुए हैं और जा रहे हैं। और वहीं बात करें तो उनसे जब पूछा गया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि जो दंगाई लोग हैं उन्हें उल्टा लटकाकर सीधा कर देंगे, तो उनका साफ तौर पर कहना है कि वो क्या सीधा करेंगे, वो खुद सीधा हो जाएंगे। और साफ तौर पर आज जो बिहार विधानमंडल का बजट सत्र का आखिरी दिन है, उस दिन राबड़ी देवी जमकर बरसे हैं बीजेपी वाले पर। और साफ तौर पर जिस तरह से बिहार में जो दो जिलों में जो दंगा हुई थी हुए हैं उस पर कह रहे हैं कि बीजेपी वाले हैं लोग हैं जो इस तरह के दंगे करवाते हैं और आज हंगामा कर रहे हैं, इस पर सरकार जांच करवाएगी और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और जिस तरह से कहें तो अब काफ़ी लंबे समय बाद आज राबड़ी देवी सदन के पहुंची थी और सदन की कार्रवाई आज शुरू होने से पहले जमकर बरसी बीजेपी पर और साफ तौर पर कहा है कि जो आरएसएस के लोग हैं, जो बीजेपी के लोग हैं, जो देश भर में घूम रहे हैं और उनको 2024 का लोकसभा चुनाव में मालूम चल जाएगा। और वहीं बात करें तो जिस तरह से बिहार में जो दो जिलों में दंगे हुए इसको लेकर बीजेपी है जो लगातार सरकार के खिलाफ हंगामे कर रहे हैं और जो राजनीतिक है बिहार में काफ़ी तेज है, उस पर भी आज राबड़ी देवी ने साफ तौर पर कहा है कि जो कर रहे हैं कि सीधे कर देंगे, वो खुद एक दिन सीधा हो जाएंगे। तमाम खबरों को बने रहे न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।